मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने को है। ऐसे में 144 करोड़ की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी माल रोड सहित मसूरी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पेयजल लाइन डालने का काम होने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिससे लोगों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी का निरीक्षण करने के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश देने के बाद क्षतिग्रस्त मालरोड की सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं, परंतु कार्य की गुणवत्ता इतनी खराब है कि एक हफ्ते में ही सड़कें टूटकर दोबारा खराब होने लगी हैं। सड़कों पर जमा बजरी से दुपहिया वाहन फिसल रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, परंतु जल निगम विभाग के अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मसूरी गांधी चौक से मॉडर्न स्कूल रोड भी पिछले दिसंबर से पेयजल लाइन डालने के बाद क्षतिग्रस्त हालत में छोड़ दिए गए हैं। ऐसे में इस सड़क से 5 स्कूलों के बच्चे रोज आते जाते हैं। वहीं कई बच्चे दुपहिया वाहन से भी आते हैं, जो अक्सर फिसल कर चोटिल हो जाते हैं, परंतु कई बार जल निगम के अधिकारियों को शिकायत मिलने के बाद भी सड़क को बनाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे लोगों में अब भारी आक्रोश है। जो अभी जल निगम द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है मसूरी में, उसके क्रम में कई बार सड़कें कई जगहों पर खोदी गई थी, तो माल रोड तो क्लियर कर दिया है पर्यटकों के लिए, और कुछ जो ब्रांचेज और अदर सड़कें हैं उनमें इस वक्त काम चल रहा है, और एक दो इम्पोर्टेंट सड़कें और हैं जो चमन स्टेट्स है और एकेडमी वाली रोड है, कंपनी गार्डन वाले रोड है, उनको मैंने आज देखा है। उन पर हम मंडे से फिर उनको भी हॉटमिक्स कराने जा रहे हैं, वो पैचेस वाले काम जितने भी हैं। और एक जिस सड़क पर मैं अभी हूँ, इनमें इन्होंने 2-3 दिन पहले काम किया है, तो इसमें जो हॉटमिक्स किया है कंपनी ने या काम ठेकेदार ने, वो प्रॉपर मिक्सिंग ना होने से और कम इमल्सन डालने से ये उखड़ने भी लगा है। तो कंपनी के लोग मेरे साथ हैं, इनको कहा कि इसको पूरे के क्षेत्र को दोबारा से रिपेयर करें और काम गुणवत्ता वाला होना चाहिए और पैचेज जो हैं वो प्रॉपर भर जाएं, ताकि मसूरी सीजन जो पीक में आने से पहले पहले कम से कम आपकी सड़कें ठीक रहे। मुझे तो लगता है कि सड़क ही गड्ढों में है, बिकॉज गाड़ियाँ चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्लच फिटें फूट जाती है, डाउन गाड़ियाँ हैं लग जाती है, मेरी भी काफ़ी गाड़ी देखो नीचे से लगी है, तो बहुत तकलीफ हो रही है, मतलब ऊपर नीचे आने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, घूमकर फिर जैसे जाना पड़ रहा है, तो बहुत लॉन्ग भी पड़ता है जाने में, और कस्टमर ऑलमोस्ट दिक्कत होती है, टूरिस्ट को भी अभी सीज़न का काम है, तो काफ़ी लोगों का कंप्लेंट भी है। ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस रोड को बनाया जाए और सुविधा को पूरी दी जाए। इस रोड के चक्कर में ट्रैफिक भी काफ़ी लगता है, इस रोड पे आधा आधा घंटा लग जाता है चढ़ने में, 15-20 मिनट का रास्ता है तो आधे घंटे कवर करना पड़ता है। हाँ सर, अभी दुर्घटना के चांसेस, बिकॉज पूरा स्लिपरी रोड है, बजरी है, तो अगर ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी थोड़ा स्लिप होकर जाता है, तो टू व्हीलर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। डेली का आना जाना है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस रोड की वजह से। यहाँ पर काफ़ी स्कूल्स के बच्चे जाते हैं, 5 मैक्सिमम 5 स्कूल्स का ये रोड है, जिसकी वजह से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, दुर्घटना होने के बहुत चांसेस। आप देख सकते हैं ये बैंड है, इस पर बिल्कुल भी कब जगह नहीं है कि लोग पास कर सके, यहाँ पर कई लोगों की गाड़ियाँ ठुक जाती है। आप ब्रेक देख सकते हैं, ब्रेक सोल कैसे, और ये अभी नहीं है, ये दिसंबर में काम स्टार्ट हो गया था और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी तक ये काम पूरा नहीं हो रहा है। इसमें लापरवाही किसकी है, कौन इसका जिम्मेवार है, कौन इसकी कार्यवाही का होता है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को सुविधाएं पहुंचे, लोग मार्ग खुले, जिसके वजह से सभी को फ़ायदा होगा इससे। सभी चीज़ों के लिए हानिकारक है सर, ये धूल उड़ रही है, लोगों को चीज़ें सब दिखाई नहीं देती है, रात के टाइम में तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है इस रोड पर, कि आपको स्ट्रीट लाइट दिख जाए तो आप रास्ता पार कर ले, स्ट्रीट लाइट नहीं है और एकदम खड़ा रास्ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को चढ़ने में, बहुत ज़्यादा टू व्हीलर्स को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हाई बीम का इस्तेमाल होता है आजकल लाइटों का, तो ये दिक्कत है। 17 दिसंबर 2021 को ये रोड बनना शुरू हुआ था, ये जल निगम का काम में खुदाई हुई थी रोड की, तब से लेके अच्छा है कि हमारे नगर पालिका को इसकी लाभ मिलेगा, पर उसके अनुसार वो सारा काम हो चुका है, पर अभी तक ये रोड कम्प्लीट नहीं की गई। इससे 5 स्कूलों को ये रास्ता ज्वाइंट हो रहा है, 5 स्कूलों के बच्चे पैदल जा रहे हैं, और ये जो एक ऐसी धूल है जो कि बिल्कुल सीमेंटेड जैसी है, जो कि अंदर जाके हमारे को इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है, दमा की बीमारी कर सकती है, अस्थमा हो सकता है, लोग कुछ जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनके लिए और घातक भी हो सकता है ये, तो ये जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से नगर पालिका प्रशासन इसको जल्दी से इसका पूर्ण निर्माण करवाए। एरिया की सभी की ओर से ये मैं प्रार्थना करता हूं जल निगम से और जल प्रतिनिधि से, ताकि इसको जल्दी से जल्दी इस रोड का निर्माण करवाएं और इसको पूर्ण रूप से ये
तैयार हो जाए और सभी को इसका परेशानी ना कर उठानी पड़े। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।